श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता दीदी कुकिंग चैनल। आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी। ये बर्फी की रेसिपी बहुत ही ज्यादा आसान है और केवल 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके सभी इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मौजूद होते ही हैं। इसमें मैंने कंडेंस मिल्क या मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इसी तरीके की लाजवाब और ऑथेंटिक रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी देख लेते हैं। ये 1 कप नारियल का चूरा है। यहाँ पे हमने ली है चीनी, ये 1/2 कप से थोड़ी सी कम चीनी है। 1 टेबलस्पून घी, 3 इलायचियों का पाउडर, 2 से 3 बादाम कटे हुए और करीबन 1/3 कप दूध। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई में नारियल का बूरा डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे 2 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें चीनी मिला देंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को इस समय भी मीडियम या लो पे ही रखें। चीनी जब हल्का हल्का पानी छोड़ने लग जाएगी और हमें इसको मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगेगी तब हम इसमें दूध मिला देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अभी भी हमने मीडियम पे रखा है। जब नारियल दूध और चीनी दोनों को ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, इस तरीके से दिखने लग जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे घी। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सर अच्छे से ड्राई हो गया है, वीडियो में आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और एक प्लेट को इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इस पूरे मटेरियल को इस प्लेट पे निकाल लेंगे। और अब एक चम्मच की सहायता से हम इसको एक प्लेन स्मूथ शेप दे देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बादाम की कतरन और 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद हमारी बर्फी सेट हो जाएगी और हम इसके पीसेस काट लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बर्फी काफी सॉफ्ट और स्मूथ बनी है। एंजॉय। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। हमारे चैनल के कुछ और वीडियोस देखने के लिए इन लिंक्स पर क्लिक करें।